की आजादी और इसके नाम पर ही जो जीत के आए थे वही ऐसा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष के नाम पर जो काबिज हुए थे लोग आज भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना रहे हैं। पत्रकार के साथ साथ एक महिला भी है, अभी तो विलेन की भूमिका में आ गए कॉमेडियन से। टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकार भावना किशोर को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उसने जो आप बीती सुनाई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। किस तरह से पंजाब पुलिस ने ह्यूमिलिएट किया और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से उसने अपनी आप बीती बताई है, क्या एक प्रशासन इस तरह का व्यवहार महिला पत्रकार के साथ करता है? निंदा की बात है, निंदे नहीं करते, और इससे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी और इसके नाम पर ही जो जीत के आए थे वही ऐसा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष के नाम पर जो काबिज हुए थे लोग आज भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना रहे हो। अब किस तरह से उनके साथ, मैंने स्वयं ने देखा जब वो आप बीती सुना रही थी। पत्रकार के साथ साथ एक महिला भी है, और नारी की मतलब जिस तरह से उनने बातें बताई हैं लघु शंका वगैरह को लेके, मन पीड़ा से भर जाता है, दुखद प्रसंग है। अब ये तो विलेन की भूमिका में आ गए कॉमेडियन से, और उनको खुद को देखना चाहिए और केजरीवाल जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो जो स्वांग करते हैं और ये क्या है। एक महिला पत्रकार के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्या लोकतंत्र में जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, इसलिए निंदा की चीज है। पत्रकारिता भी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप तो इनकी कथनी करनी में अंतर देखिए केजरीवाल जी की और भगवंत सिंह मान जी की में, बिल्कुल डिफरेंट। तो टाइम्स नाउ भारत के पत्रकार के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है उसका जवाब जनता तो देगी। साथ ही साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इस पूरे मामले पर केजरीवाल को सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए।